आपका, इस पूरी जानकारी के लिए अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं, रायपुर से बड़ी खबर है, आरक्षण पर सियासत अभी भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर निशाना साधा, ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती है सरकार, ये कहना है नारायण चंदेल का। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो, यह भी मांग कर रहे हैं नारायण चंदेल। भूपेश सरकार को, कांग्रेस सरकार को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में क्वांटिफाइड डाटा प्रस्तुत करना चाहिए। आयोग का डाटा ही आरक्षण का बेस है, आरक्षण का आधार है। हमारी मानना है कि भूपेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ओबीसी विरोधी सरकार है। ये ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाहती और आज जिस प्रकार से ये महामहिम के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ये संवैधानिक व्यवस्था से अनुचित है। तो आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण पर सियासत अभी भी जारी है, विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुगत में। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार को टारगेट किया है, कहा है कि ओबीसी को आरक्षण नहीं देना चाहती है सरकार, यह आरोप लगा रहे हैं नारायण चंदेल। उन्होंने कहा कि क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक हो, ये रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए, ये मांग नारायण चंदेल की है। सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कि ओबीसी को आरक्षण सरकार नहीं देना चाहती। नारायणपुर से बड़ी खबर है, धर्मांतरण पर बवाल के बाद एक्शन शुरू हो गया है, बीजेपी जिला अध्यक्ष सहित कई लोगों